ओके नाउ लेट्स सी अ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लेट्स सी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो फॉर एग्जांपल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन व्हिच एंगल बी इज 90 डिग्रीज. ठीक है, सो नाउ वी विल बी डिफाइनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मीन्स व्हाट? समथिंग बाय समथिंग है ना. सो इफ यू हैव थ्री साइड्स, हाउ मेनी साइड्स यू हैव? थ्री साइड्स यू हैव एंड थ्री एंगल्स यू हैव. ओके, थ्री एंगल्स यू हैव. सो कैन आई से दैट यूजिंग दीज थ्री साइड्स हाउ मेनी रेशियोज आई कैन फॉर्म बताइए. ठीक है, विद द थ्री साइड्स हाउ मेनी रेशियोज यू कैन फॉर्म? व्हाट आर द थ्री साइड्स? आपके पास तीन साइड्स है, ए बी, बी सी एंड ए सी. ठीक है, सो यूजिंग दिस थ्री साइड्स हाउ मेनी रेशियोज यू कैन फॉर्म? देखो तीन साइड्स है आपके पास, कितने रेशियो बना सकते हैं? देखो ए बी, बी सी और ए सी. ठीक है, तो सबको लिख लेते हैं. फर्स्ट रेशियो दैट आई कैन फॉर्म इज ए बी बाय बी सी. तो ये आपका फर्स्ट रेशियो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट रेशियो आपके पास हो गया ए बी बाय ए सी. क्या लिया आपने? फर्स्ट और सेकेंड लिया, फिर फर्स्ट और थर्ड लिया, फिर क्या लिया? थर्ड रेशियो इज नथिंग बट बी सी बाय ए सी. करेक्ट, सो थ्री डिफरेंट रेशियोज आर देयर. चेक, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय ए सी एंड बी सी बाय ए सी. सो थ्री रेशियोज आर देयर, प्लस थ्री मोर रेशियोज विल बी देयर व्हिच विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस. इसको मैं लिख सकता हूं बी सी बाय ए बी, नेक्स्ट ए सी बाय ए बी, नेक्स्ट ए सी बाय बी सी. ठीक है, सो फोर, फाइव एंड सिक्स. सो यूजिंग थ्री साइड्स आई कैन गेट सिक्स डिफरेंट रेशियोज. कितने रेशियो? देखो ए बी बाय बी सी और ए बी सी बाय ए बी है, तो क्या रेसिप्रोकल है एक दूसरे का? ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है. ठीक है, सो इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन हैव सिक्स रेशियोज पॉसिबल, सिक्स रेशियोज पॉसिबल. ठीक है, तो अगर छह रेशियो पॉसिबल है, सो व्हाट डू वी डू? वी गिव नेम्स टू ईच एंड एवरी रेशियो. ठीक है, सो व्हाट हैव वी डन? हमने क्या किया? नामकरण किया यहाँ पे, नामकरण किया. ठीक है, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं बोलूंगा ए बी बाई बी सी. अगर आपने गलती से है ना, फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक व्हाट यू हैव डन इज यू हैव रिटन इंस्टेड ऑफ दिस ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल कुछ ऐसा बना दिया. मैंने बोला मेक अ ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी 90, तो आपने कुछ ए बी सी ऐसा बना लिया. करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई बी अ टीचर आई सेड ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल विद बी 90 डिग्री. तो ए बी सी आपने बनाया बी 90, ए बी सी से स्टूडेंट ने बनाया बी 90 के साथ. फिर मैंने बोला ए बी बाय ए सी रेशियो देखो आप, ए बी बाय ए सी रेशियो देखो आप, तो ए बी बाय ए सी रेशियो यहाँ पे. इसके लिए ए बी बाय ए सी ये हो गया, दूसरे बच्चे के लिए ए बी बाय ए सी ये हो गया. ठीक है, तो ए बी बाय ए सी की जगह चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गया ना. तो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज यूनिवर्सल नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ ए बी बाय ए सी, तो एक स्टूडेंट ए बी बाय ए सी ऐसे एनालाइज करेगा, ओके ए बी बाय ए सी इज नथिंग बट दिस वर्टिकल एंड ए सी इज दिस स्लंट. और कोई स्टूडेंट देखेगा तो बोलेगा ए बी बाय ए सी, ओके सर ए बी बाय ए सी आर टॉकिंग, सो ए बी इज नथिंग बट द बेस एंड ए सी इज नथिंग बट दिस. ठीक है, तो इस केस में थोड़ा इश्यू हो सकता है ना. ओके, सो व्हाट डू वी डू टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, टू अवॉइड दीज थिंग्स? हम इनको नेम दे देते हैं ना, कि भाई ए बी बाय ए सी इज नथिंग बट दिस नेम विच इज गिवन. तो मैं हमेशा आपको नाम बोलूंगा, आपको वो नाम लिखना है. ठीक है, क्या पता कोई एबीसी में बी 90 डिग्री अगर बोलना भूल जाता है तो भी गड़बड़ हो जाएगा है ना. सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम नॉट, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम फेसिंग अ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग दिस, इससे बेटर है हम एक नाम दे देते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द नेम्स गिवन? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रेशियो. हर एक रेशियो को हमने नाम दिया है. ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रेशियो हम राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ नामकरण भी कर देते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी कुछ नामकरण करते हैं. क्या करते हैं? देखो इसको हम बोलते हैं अपोजिट. अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? देखो अगर आपका ये एंगल की बात कर रहे हो तो इसके लिए ये अपोजिट है. ठीक है, अगर आप ये एंगल की बात करें तो इसके लिए ये अपोजिट है. ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल. इसको इरेज कर देते हैं ना, ये अभी कोई काम का नहीं है आपके लिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल सी, दिस इज अपोजिट. अब ये क्या हो जाएगा? एंगल के यहां पर एडजेसेंट हो जाएगा है ना, एडजेसेंट, एडजेसेंट. और ये क्या हो जाएगा? हमेशा हाइपोटेनस होगा. ठीक है, अब दूसरी चीज, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा. नाउ इफ आई एम लुकिंग एट दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल को देख रहा हूं तो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंगली ये वाली चीज अपोजिट हो जाएगी, ये वाली चीज इसके एडजेसेंट हो जाएगी. ठीक है, एडजेसेंट मीन्स इट इज जस्ट बिसाइड दिस, तो इसके
इसके टचिंग में ये चीज है, है ना, इसके टचिंग में ये चीज है। तो आप बोलोगे सर इसके टचिंग में तो ये भी है और इसके टचिंग में ये भी है, तो बेटा जो ये है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाइपोटेन्यूज, दैट डजंट चेंज। ओके, सो व्हाट इज ऑलवेज चेंजिंग इज नथिंग बट एडजेसेंट एंड अपोजिट इज चेंजिंग इफ योर एंगल इज चेंजिंग। ठीक है, ओके ओके। अब मेरे पास कितने एंगल है, तीन एंगल है। ठीक है, मेरे पास तीन एंगल है, एक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बाकी दो एंगल है और वो दो एंगल हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गिविंग नेम्स। सो फर्स्ट इज नथिंग बट साइन ऑफ एन एंगल ए, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन ऑफ एन एंगल ए, साइन ऑफ एन एंगल ए मतलब एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एक रेशियो है जिसको हमने नाम दिया है साइन। अच्छा, ये कौन सा रेशियो होता है, दिस इज ऑलवेज अपोजिट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं सी के लिए एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहां से क्लियरली दिख पा रहा है, यहां से मैं देख पा रहा हूं ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूस है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ एन एंगल सी, है ना, साइन ऑफ एन एंगल सी, ठीक है, ये साइन और सी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, यू डू प्रोग्रामिंग, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कोई भी नंबर आप डालेंगे उसका स्क्वायर करके निकलेगा ना, सो इट्स अ प्रोग्राम। ठीक है, सो आई इंसर्ट 4 स्क्वायर करके बाहर निकला 16, इफ आई इंसर्ट -3 स्क्वायर करके बाहर निकला 9। ठीक है, तो यूजर व्हाट इज ही डूइंग, ही इज एंटरिंग अ नंबर, एंड व्हाट इज द कंप्यूटर डूइंग, इज जस्ट कंप्यूटिंग स्क्वायर। ठीक है, सो सिमिलरली व्हाट विल हैपन, साइन ऑफ सी मींस ये सी एक एंगल है। ठीक है, तो यूजर क्या एंटर करेगा, एंगल एंटर करेगा। साइन ऑफ सी इज नथिंग बट अ कंप्यूटेशन। ठीक है, वो एक कंप्यूटेशन है, वो एक अलग तरीके का प्रोग्राम है, है ना, जो कि आपको अभी नहीं पता है कौन सा प्रोग्राम है, लेकिन वो एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाता है और आपको आंसर देता है। ठीक है, तो स्क्वायर एक प्रोग्राम है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे नहीं है कि 2 और एक्स मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा नहीं है, है ना, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, स्क्वायरिंग इज एन ऑपरेशन, सो एंगल ऑफ साइन इज नथिंग बट एन ऑपरेशन। ये साइन और सी आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, ये सी के ऊपर कुछ किया गया ऑपरेशन है, और ये कौन सा ऑपरेशन है, सी के अपोजिट वाली साइड लो और हाइपोटेनस लो, उनको डिवाइड करो, तो आपको साइन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा एंगल सी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, लेट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन सी दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है इसके लिए, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, ए सी। तो आपके पास ए बी बाई ए सी रेशियो जो था, ए बी बाई ए सी रेशियो कहां है, आपको देखो ए बी बाई ए सी जो रेशियो था, दैट इज नथिंग बट साइन सी, इसको मैं साइन सी बोलूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेकेंड थिंग, सेकेंड रेशियो दैट वी आर डिफाइनिंग इज नथिंग बट कोसाइन सी। ठीक है, अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सॉल्विंग करूंगा, बहुत ज्यादा हम सॉल्विंग करते हैं मैथ्स में ना, तो हम पूरा लिख पाए साइन सी, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं साइन सी, एस आई एन सी। ठीक है, एस आई एन सी, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड रेशियो, सेकंड रेशियो क्या है, कोसाइन ऑफ सी। नाउ कोसाइन ऑफ सी इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। अब आपका एडजेसेंट क्या है यहां पे, बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। देखो बीसी बाय एसी वाला रेशियो भी आपका कवर हो गया। ठीक है, तो बीसी बाय एसी, अब पूरा कोसाइन हम बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉस सी। ठीक है, साइन सी कॉस सी, ठीक है, कोसाइन शॉर्ट फॉर्म इज कॉस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द थर्ड वन, थर्ड है आपका टैंजेंट सी। ठीक है, टैंजेंट सी, अच्छा, अब टैंजेंट सी क्या होता है, देखो टैंजेंट सी हमेशा होता है अपोजिट बाय adjacent, अपोजिट बाय adjacent। अच्छा, टैंजेंट इज अपोजिट बाय adjacent, अपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बीसी, सो ए बी बाय बीसी। ठीक है, ए बी बाय बीसी, देखो आपका ये भी कवर हो गया, करेक्ट, तो ये हो गया ए बी बाय बीसी। ठीक है, अच्छा, अब पूरा टैंजेंट बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसके लिए इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं टैन सी, टी ए एन, और ये सी, टैन सी। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा ना, देखो ए बी बाय ए सी है, उसको अगर मैं बी सी बाय ए सी से डिवाइड करता हूँ ना, इफ आई डिवाइड दिस वन विथ टू, ठीक है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल वन है, ये आपका टू है, तो अगर मैं वन डिवाइड बाई टू करता हूं, तो वन डिवाइड बाई टू करने पे क्या मिलेगा मेरे को, देखो मुझे मिलेगा ए बी बाय ए सी अपॉन बी सी बाय ए सी, तो मैं ए सी काट सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा ए बी बाय
BC. अब AB by BC क्या है? Nothing but tan C. तो जो आपने किया है वो किया क्या actually? आपने किया है sin C by cos C. ठीक है? तो sin C by cos C is nothing but tan C. ठीक है? तो you have to memorize this also. ठीक है? देखो initially you will be facing a lot of difficulty sir. ये सब नई terms है ना? तो हम कभी भी कोई भी नई चीज देखते हैं तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि अच्छा यार ये तो नया है. तो you feel repelled. अच्छा क्या मैं कर सकता हूँ है ना. बट इतना प्रैक्टिस करेंगे हम इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको बाय हार्ट हो जाएगी चीजें है ना. फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है थोड़ा वियर्ड लगता है ना. बट वंस यू गो थ्रू दीज टर्मिनोलॉजीज है ना एक बार आपको टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पता चल जाएगी है ना. यू विल बी यूज्ड टू इट. उसके बाद तो इट विल बी लाइक प्लेइंग गेम्स है ना. आप गेम की तरह इसको उड़ा देंगे क्वेश्चंस को. ठीक है लेट्स सी द फोर्थ. देखो आपने तीन तो कर लिए अब बाकी तीनों को भी देख लेते हैं रेसिप्रोकली है इसके. ठीक है अच्छा तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल देखते हैं. देखो पहले ए बी बाय ए सी का रेसिप्रोकल ए सी बाय ए बी है. ठीक है तो जो फोर्थ रेशियो है वो साइन का रेसिप्रोकल है. ठीक है और उसका नाम हमने दिया हुआ है कोसिकेंट. कोसिकेंट ऑफ एन एंगल सी. ठीक है दैट इज नथिंग बट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय अपोजिट. क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय अपोजिट. अब देख लो ये हो जाएगा ए सी बाय ए बी. अब सर आप बोलोगे सर आप इसका भी शॉर्टकट दे दो. अब इसका शॉर्टकट है कोसिक. ठीक है इसको हम बोलते हैं कोसिक. कोसिक ऑफ एन एंगल सी. ठीक है कोसिक ऑफ एन एंगल सी. ठीक है नाउ लेट्स गो फॉर द फिफ्थ. अच्छा एक और चीज इसमें याद रखेंगे क्या है ये साइन का रेसिप्रोकल. तो इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन साइन सी. ठीक है साइन सी इज नथिंग बट एन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन सी. कोसिक सी इज नथिंग बट एन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन सी. तो ये हमेशा एक साथ ही चलेंगे. कभी ऐसे नहीं होगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहीं देख लिया साइन ए अपॉन साइन बी. यूजुअली स्टूडेंट्स को मैंने यही मिस्टेक करते हुए देखा है ना. जब भी मैं क्लासेस लेता हूं हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक करते हैं. देखो साइन ए बाय साइन बी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे साइन साइन काट देंगे यहां पर लिख देंगे ए बाय बी. ठीक है तो ये चीज बिल्कुल गलत है. ठीक है ये चीज बिल्कुल गलत है. ऐसा आप कभी नहीं करेंगे ना. ये साइन ए मतलब कुछ ए के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है. साइन बी मतलब कुछ हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है बी के ऊपर. ठीक है अब आप बोलोगे सर आपने तो हमको एग्जांपल बताया स्क्वायर का तो अगर यहां पे ए स्क्वायर लिखा है यहां बी स्क्वायर लिखा है तो हम ए बाय बी होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं. ठीक है ए बाय बी होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं. अच्छा दैट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि वो एक्सपोनेंट्स में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है. क्या पढ़ी है a by b raise to m is nothing but a raise to the power of m upon b raise to the power of m. लेकिन हमने कोई साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है तो इसके ऊपर क्या काम हो रहा है a के ऊपर आपको पता नहीं है. क्या काम हो रहा है आपको पता है एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ पता नहीं लेकिन आपको पता है. अभी हमने देख लिया साइन ऑफ एन एंगल ए इसका मतलब क्या है कि a के अपोजिट वाली साइड लो और हाइपोटेनस लो दोनों को डिवाइड करो जो चीज आ रही है वो साइन ए है. ठीक है साइन बी क्या है अगर एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी है उसके अपोजिट वाली साइड लो हाइपोटेनस से डिवाइड करो तो जो चीज आपके पास आ रही है वो साइन बी है. ठीक है अच्छा तो ए बाय बी आप ऐसे नहीं कर सकते ना ही आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना. ये दिस इज नॉट एट ऑल इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ ए बाय बी. ठीक है ये चीज भी बिल्कुल गलत है. ठीक है जो ये आपने लिखा है साइन ऑफ ए बाय बी. ठीक है ये कोई ऑपरेटर दोनों में कॉमन लेके बाहर नहीं लिख सकते ना ही ऑपरेटर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है ओके तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे है ना. वन सेकेंड नाउ लेट्स गो फॉर द फिफ्थ. क्या दिया हुआ है फिफ्थ आपके पास देखो. ओके नाउ लेट्स सी द फिफ्थ रेशियो. फिफ्थ रेशियो क्या होगा सेकेंड का रेसिप्रोकल होगा. इसका रेसिप्रोकल देख रहे हैं अभी हम है ना. सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. इसका रेसिप्रोकल है सेकेंट. सेकेंट ऑफ एन एंगल सी जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. ठीक है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट. नाउ व्हाट इज हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज ए सी एडजेसेंट इज बी सी. तो ए सी बाय बी सी. तो ये आपका हो जाएगा सेकेंट. इसका शॉर्ट फॉर्म है सीक. देखो ये को सीक और ये आ जाएगा सीक. सीक ऑफ एन एंगल सी. अब सीक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का रेसिप्रोकल है वन बाय कॉस ऑफ सी. ठीक है नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट. टेंजेंट का रेसिप्रोकल देख रहे हैं सिक्स वन है. सो दैट इज नथिंग बट को टेंजेंट. इसको हम बोलते हैं को टेंजेंट. Cotangent of an angle C, that is nothing but इसका reciprocal, that is adjacent by hypotenuse. Sorry, adjacent by opposite. इसका मतलब है adjacent by opposite. ठीक है, that is nothing but
BC by AB. ठीक है, तो देखो AC by BC भी आपने कवर कर लिया, BC by AB आपने कवर कर लिया, तो ये आपका कवर हो गया. अब इसका शॉर्ट फॉर्म है cot, cot of an angle C. ठीक है, tan of an angle C, cot of an angle C. अब cot क्या होता है, देखो cot होता है cos upon sin of an angle C, of an angle C. ठीक है, cos of an angle C by sin of an angle C. करेक्ट, सो प्लीज नोट दिस डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हा? और एक चीज देखो, और एक चीज आपको क्या पता चली, देखो tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन tan ऑफ सी भी होता है, ना तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट आ गई, तो 1 अपॉन tan सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन, विल बी गोइंग फॉर सम इंपॉर्टेंट नोट आफ्टर दिस. ठीक है, लिख लेंगे इसको.